हेलो दोस्तों, मैं हूं मिनय सिंघल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी। जितने भी आरआरबी एनटी पैसे स्टूडेंट है दोस्तों, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है दोस्तों। उस नोटिस में क्या है दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको वही बताने वाले हैं दोस्तों, पूरा डिटेल दोस्तों। हाल ही में अभी नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप जाइए आरआरबी भोपाल का वेबसाइट ओपन कीजिए दोस्तों, और उसको वेब पेज ओपन कीजिए। वेब पेज ओपन कीजिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आज के डेट में एक नोटिस आया दोस्तों 20/1/2022 को, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे दिया गया है CN01/2019 NTPC नोटिस ऑन रिक्वायरमेंट। अभी अभी ये नोटिस आई है दोस्तों, आपको मैं पूरा नोटिस दिखा देता हूँ दोस्तों। वास्तविकन में नोटिस में क्या है देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये वो नोटिस है। नोटिस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 35,281 वैकेंसीज, वैकेंसीज की बात की गई है दोस्तों। बताया गया है रेलवे के द्वारा कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली थी। सेकंड पॉइंट देखिए, ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसीज, ये तो हमको ही पता था। 10+2 एलिजिबल, 10,603 वैकेंसीज, मतलब 10,603 वैकेंसी के लिए दोस्तों 10+2 कैंडिडेट एलिजिबल थे, ये भी पहले से पता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, ग्रेजुएट हैव ऑप्टेड फॉर द 10+2 कैटेगरीज आल्सो। देखो वही वही चीजें दोहरा रहा है दोस्तों रेलवे, कुछ नहीं है इस नोटिस में ऐसा लग रहा है मेरे को। तो तीन पॉइंट देख लिए यार, तीनों पॉइंट में एक ही चीज बोला गया है, बस इतनी वैकेंसी थी, इतना हमने दिया था, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, बस यही चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए यहाँ पे वी हैव सेलेक्टेड 20 times वैकेंसीज इन इच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल एंड नोटिस, मतलब कि हमने 20 times बच्चे सेलेक्ट किए थे दोस्तों, वैकेंसीज थी उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन रूल एंड नोटिस जो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट किया, ये इसमें भी कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बिलो द टेबल सोर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ इच लेवल, मतलब ये बताया गया है कि एग्जैक्ट कितने बच्चे लिए गए हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में, आप पूरा डेटा देख लीजिए दोस्तों। जैसे कि अभी तक किसी को पता नहीं था कि एग्जैक्ट डेटा कितना है, रेलवे ने इस नोटिस में दोस्तों एग्जैक्ट डेटा बताया कि कितने बच्चे किस लेवल की पोस्ट के लिए उठाए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए एग्जैक्ट डेटा पूरा देखिए, टेबल चार्ट बना के दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पे लेवल 7 PC, यहाँ पे नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड एंड टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो देखिए लेवल टू के लिए दोस्तों 5,663 वैकेंसीज थी दोस्तों, उसके लिए 1,13,301 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है दोस्तों, 20 times कहा गया है दोस्तों रेलवे के लिए, और यही विवाद की जड़ है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे थर्ड लेवल के लिए लिया गया दोस्तों, थर्ड लेवल वैकेंसी था 4,940 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। और कितने कैंडिडेट को लिया गया, 98,833 कैंडिडेट को लिया गया, यहाँ पे 20 times लेवल के लिए कहा गया दोस्तों। इसमें 161 वैकेंसी थी दोस्तों, और लिए गए कैंडिडेट 3,223 मात्र, 20 times इसमें भी कहा गया है। लैंड लेवल 5 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 17,393 वैकेंसी थी, और लिए गए कैंडिडेट दोस्तों 3,47,676, सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहीं से लिए गए हैं दोस्तों। और लेवल 6 में बात करें तो यहाँ पे 7,124 वैकेंसी थी दोस्तों, उसके लिए लिया गया था 1,42,413 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था दोस्तों 19.98% के हिसाब से, मतलब कि यहाँ ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि 20 times ही सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और टोटल बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं 7,05,446 दोस्तों, ठीक है। तो यार यही तो मेन प्रॉब्लम की जड़ है कि यार 20 times नहीं दोस्तों, 20 times स्टूडेंट कंट्रोल काउंट करना था दोस्तों। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 20 times पोस्ट के अकॉर्डिंग काउंट किया दोस्तों, और बच्चे मुश्किल से दोस्तों बहुत ही कम सेलेक्ट हुए हैं, 3,70,000 के आसपास, उससे ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं। तो यार जितने भी दोस्तों नोटिस जारी किए जा रहे हैं दोस्तों आरआरबी के द्वारा, घुमा फिरा के दोस्तों वही घिसा पिटा नोटिस जारी कर रहे हैं दोस्तों। यार यहाँ तो हमें कोई सॉल्यूशन मिला ही नहीं दोस्तों, रिवाइज रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं। तो यार लगातार आप लगे रहिए दोस्तों, अभी भी डटे रहिए मैदान में दोस्तों, लगातार कैंपेन चलाते रहिए। कल दोस्तों ट्विटर में दोस्तों आपको ये हैशटैग रन करना है, हैशटैग रेलवे मिनिस्टर सेव स्टूडेंट लाइफ। यार अब तो यार रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से दोस्तों साफ रूप देखने को मिल रहा है वो कि वो रिजल्ट में कोई संशोधन नहीं करना चाहती। तो यार हम क्यों ना रेलवे मिनिस्टर से मांग करें दोस्तों, आपको लगातार दोस्तों सुबह 11 बजे से दोस्तों यही हैशटैग रन कराना है, बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक को दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट। और टारगेट है दोस्तों कम से कम 15 million ट्वीट होने चाहिए दोस्तों ट्विटर पे। आप यार लगातार ही दोस्तों सुबह 11 बजे से लगातार इसको ट्वीट कीजिए दोस्तों लगातार, ताकि आपको यार आपके हक में फैसला मिल सके दोस्तों। अभी रेलवे के द्वारा ऐसा कोई रुख नहीं दिख रहा है दोस्तों कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं, ठीक है दोस्तों। आप लगातार ट्वीट करती रहे दोस्तों, डट रहे मैदान में जब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।